हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो GNDU की सप्ली का फॉर्म है उसको आप कैसे भर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बहुत बच्चों की सप्ली आई हुई है, तो वो अपनी सप्ली को कैसे भर सकते हैं आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सप्ली का फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं सप्ली का फॉर्म, ठीक है। उसको कैसे भरना है आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो आप भर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस होता है। बस कुछ जगह पर वो ऑप्शन आपको अलग मिलेगा, लेकिन आपका जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। तो चलिए, मैं GNDU का सप्ली का फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ बताते हैं कि आप अपनी सप्ली का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपनी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपका कोई भी ब्राउज़र हो उसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना है। जैसे मैं GNDU सर्च कर लेता हूँ। GNDU सर्च करने के बाद आपको अपनी जो भी यूनिवर्सिटी आई उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबसे ऊपर ये दिया हुआ है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 3 डॉट, आप इस पर क्लिक करना है आपको। तो इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा एग्जामिनेशन का, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन है, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन का, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या, देखिए इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा कॉलेज लॉगिन और एक ऑप्शन मिल रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। वहाँ से आप कॉलेज वाले भी आपका सप्ली फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें खुद ही फिल करना होता है। तो जैसे हम अपने मोबाइल से फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें स्टूडेंट लॉगिन पर आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है। तो स्टूडेंट आईडी आपको जब भी आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको एक वो मिला होगा, नहीं तो आपका जो पिछला साल का जो रोल नंबर होगा उसमें आपको स्टूडेंट आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसमें देखेंगे तो स्टूडेंट आईडी आपको लिखी होती है, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि मैंने अपना स्टूडेंट आईडी यहाँ फिल कर दिया। यहाँ पर पासवर्ड, आपको देखेंगे पासवर्ड क्या होता है, तो मैं पासवर्ड बता दूँ, सबका पासवर्ड सेम होता है। नहीं तो आपका पासवर्ड यहाँ चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप इसको, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप पासवर्ड आप अपना जान सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड, वैसे मैं बता दूँ, आप सभी का पासवर्ड सेम ही होता है, नहीं तो यहाँ पर आपको अपनी स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। यहाँ पर गेट पासवर्ड पे करेंगे तो आपका जो पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर इस कैप्चे को आपको फिल कर देना है और यहाँ पर गेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से आसानी से। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट साइन अप पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सब कुछ आपका स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, आपका सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता हो। तो यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है सप्ली का फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं प्राइवेट रीअपीयर एडमिशन का, ठीक है। आपको इसी पे क्लिक करना है। होम के नीचे तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं प्राइवेट और रीअपीयर एडमिशन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देखिए इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से जूम कर लेना है, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जूम करेंगे तो यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है कैपेसिटी, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर और क्लिक टू प्रोसीड। यहाँ पर आपको पहले कैपेसिटी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, फुल सब्जेक्ट और रीअपियर। आपको रीअपियर पे क्लिक करना है।
जैसे रीअपियर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू प्रोसीड, तो आपको यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं तो फिर से आपको जूम करना है, मैं दिखा देता हूँ जूम करके। फिर से आपको ऑप्शन मिल रहा होगा सिलेक्ट क्लास करने के लिए, आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे कि इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए मेरा जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेमेस्टर सेकंड की सप्ली है, तो आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर से मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, फिर से आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चूज़ करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे और आ जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो आपकी फ़ीस है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर जूम करेंगे वहाँ से जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर सबसे नीचे आपको आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो टोटल 1100 रुपये आपको यहाँ पर सप्ली का दिखा रहा है, वहाँ पर आपका अलग अलग भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर नॉट सिलेक्टेड, तो यहाँ पर वही कहते हो ना, यहाँ पर बहुत से ज़्यादा ही मतलब कि दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए पहले आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेंटर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए सेंटर भी लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर सेंटर जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक सेंटर यहाँ पर एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटर का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको जैसे सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिटेड कॉलेज कोड 3, जो भी लिखा हुआ है मतलब कि मैंने इसको ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले मैंने सबमिट कर दिया था। बस मेरे को यहाँ पर दिखाना था कि आपको यहाँ पर सबमिट कैसे करना है। तो सारा प्रोसेस ऐसे ही होता है, जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो आपका पेमेंट जो भी है, आप कोई भी यूपीआई से कर सकते हैं या कोई भी डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, रिसिप्ट बस उसी को आप अपने उसको फाइल में सेव करके रख लीजिएगा। बस उसके बाद जब भी पेपर होने वाला होगा, फिर उसके बाद उसका जो एडमिट कार्ड है उसको कैसे निकालना है, मैं उसको आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, अपने फ़ोन से अपने एडमिट कार्ड को भी आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जैसे जैसे स्टेप बताया ऐसा स्टेप स्टेप होता है, हर यूनिवर्सिटी का यही सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बस दोस्तों इसमें ऑलरेडी मैंने सबमिट कर दिया था इसलिए, और इसके आगे बस आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट कर दीजिएगा, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। बस इतना ही स्टेप है, ज़्यादा स्टेप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।